नमस्कार दोस्तों, टेलीवुड खबरी में आपका स्वागत है। देवोलीना भट्टाचार्य जी ने साथ निभाना साथिया में गोपी की भूमिका निभाई थी और इसमें वे फेमस हो गई तो उन्हें काफी सराहना भी मिली थी। इसके बाद वे साथ निभाना साथिया 2 में भी कुछ एपिसोड के लिए गोपी के रूप में लौटी थी। इसके बाद उन्हें किसी सीरियल में नहीं देखा गया है, लेकिन अब उनके फैंस के लिए खुशखबरी है, वे एक बार फिर से साथिया 2 में गोपी के तौर पर दिखाई देने वाली है। यह खबर देवोलीना ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की है। अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर उन्होंने साथ निभाना साथिया के उनके किरदार गोपी के 10 साल पूरे होने पर एक नोट लिखा है। अपनी खूबसूरत तस्वीरें साझा करते हुए देवोलीना लिखती है कि गोपी के रूप में 10 साल, यह सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता है। 6 जून 2012 ने गोपी के रूप में मेरी यात्रा शुरू हुई और 6 जून 2022 को फिर से गोपी आपके पास वापस आ रही है। उन्होंने आगे यह भी लिखा कि मैं लंबी अवधि के लिए साथिया 2 का हिस्सा नहीं हो सकती, लेकिन एक सेकंड के लिए भी किरदार को फिर से जीना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। कुल मिलाकर तो यही लगता है कि वे कुछ एपिसोड के लिए गोपी बनकर लौट रही हैं। फिर भी उनके फैंस उन्हें फिर से टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के लिए उत्साहित है और उन्हें देवोलीना की पोस्ट पर अपने प्यार की बौछार कर दी है।